हे गाइस, आज हम गुड लक चक मूवी को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को एक बर्थडे पार्टी में स्पिन द बॉटल गेम खेलते हुए देखते हैं। गेम के रूल्स सिंपल थे, जिस किसी की तरफ बॉटल घूमने के बाद पॉइंट आउट कर दी उसे बॉटल घुमाने वाले को किस करना पड़ता। यहाँ हम चक और स्टू नाम के बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं। स्टू को एक लड़की को किस करने का मौका मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। स्टू के अंदर जाने के बाद चक बॉटल को घुमाता है। वो चाहता था कि ग्रीन ड्रेस वाली लड़की के ऊपर बॉटल जाकर रुके, पर बॉटल जाकर गॉथ गर्ल अनीशा के ऊपर रुकती है। अनीशा खुश थी क्योंकि वो चक को पसंद करती थी। दोनों एलमिरा के अंदर जाते हैं। अनीशा उसे किस करने की कोशिश करती है, पर चक उसे ऐसा करने नहीं देता। चक को अलमारी से बाहर फेंक दिया जाता है। अनीशा चक को उसे रिजेक्ट करने के लिए श्राप देती है कि उसे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिलेगा। जिस लड़की को वो डेट करेगा वो चक से ब्रेकअप करने के बाद अपने अगले बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर चक एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट बन गया था और उसका बेस्ट फ्रेंड स्टू एक प्लास्टिक सर्जन था। दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करते थे, जहाँ दोनों के ऑफिस आमने सामने थे। स्टू के क्लिनिक पर यंग और सेक्सी पेशेंट्स आती थी, जबकि चक के मैक्सिमम पेशेंट्स बुजुर्ग थे। काम के बाद चक और स्टू चक की एक्स गर्लफ्रेंड केटी की वेडिंग पार्टी अटेंड करते हैं। केटी सबके सामने चक को अपना लकी चार्म बताती है। वो कहती है कि चक से ब्रेकअप करने के एकदम बाद उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया, इसलिए चक उसके लिए लकी साबित हुआ। केटी की बातें सुनकर चक के आसपास की लड़कियां उसे देखकर स्माइल करने लगती हैं। उसी पार्टी में चक की नज़रें कैम वेक्सलर नाम की एक सुंदर लड़की पर टिक जाती हैं। कैम चक के सामने रखी हुई खाली चेयर पर बैठ जाती है और दोनों कुछ बातें करते हैं। थोड़ी देर में केटी चक से बात करने आती है। दोनों चक की एक और एक्स गर्लफ्रेंड कैरल को देखते हैं, जो कि किसी और लड़की को किस कर रही थी। अगली सुबह चक अपने क्लिनिक पहुंचकर शॉक हो जाता है, क्योंकि आज उसके सारे पेशेंट्स यंग और सेक्सी लड़कियां थीं। बाद में चक स्टू के साथ मार्केट में घूम रहा था। वहां उसकी नज़र अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैरल पर पड़ती है, जो कि एक वेडिंग ड्रेस देख रही थी। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग चक को दिखाती है और बताती है कि वो शादी कर रही है। कैरल भी केटी की बातें दोहराती है कि चक उसका लकी चार्म है, क्योंकि उससे मिलने के बाद ही कैरल का सच्चा प्यार उसे मिला है। शाम को घर आकर चक को अपने लैंडलाइन पर बहुत सारी अनजान औरतों के फ़ोन आते हैं, जो कि उससे डेट करना चाहती थी। दूसरी ओर कैम, जो कि एक पेंगुइन साइंटिस्ट थी, वो अपने पेंगुइन्स को खाना खिला रही थी। वो एक्सीडेंटली स्लिप हो जाती है, जिससे उसका दांत चिप हो जाता है। वो चक को कॉल करके अपने दांत को ठीक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेती है। चक उस समय किसी और लड़की के साथ डेट पे था। वो उसको डंप करके फौरन कैम का दांत फिक्स करने पहुँच जाता है। कैम चक को पेमेंट के लिए पूछती है तो चक उसे बताता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। पैसों के बदले वो कैम को डिनर पर ले जाना चाहता था। कैम उसे मना करके रूम से बाहर निकल जाती है, मगर थोड़ी देर में ही कैम चक के पास वापस आती है, क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। चक उसकी कार स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद कैम गलती से अपनी कार कीज़ को कार के अंदर ही छोड़ देती है और डोर बाहर से बंद हो जाता है। वो चक को रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ वो घर चले, ताकि वो स्पेयर कीज़ वहाँ से ला सके। चक एक जेंटलमैन की तरह उसकी हर बात मानता है। कैम के घर से कीज़ लेने के बाद चक फिर उसे डिनर पर जाने के लिए पूछता है। कैम मेंटली इस सब के लिए तैयार नहीं थी, तो वो दूसरी बार चक को मना कर देती है। उदास होकर चक घर पहुंच जाता है। वहां उसकी असिस्टेंट रीबा उसका वेट कर रही थी। वो चाहती थी कि चक उसके साथ इंटीमेट हो, क्योंकि उसने भी चक के लकी चार्म होने वाली रूमर्स सुन रखी थी। चक उसे मना करता है, पर रीबा उस पर जंप कर जाती है और आगे आप सब जानते ही हैं। सुबह स्टू चक को कहता है कि वो लकी है कि इतनी सारी लड़कियां उससे डेट करने में इंटरेस्टेड हैं। उसे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ इंटीमेट हो सके। चक स्टू को मना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब गलत है। पर स्टू उसे कहता है कि वो इसे समाज सेवा समझ के भी तो कर सकता है, क्योंकि उसके कारण ही उन लड़कियों को अपना असली प्यार मिल जाएगा। इस बात पर चक मान जाता है। फिर चक एक के बाद एक काफ़ी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। कुछ ही दिनों में उन लड़कियों को अपने अपने लाइफ पार्टनर्स मिल जाते हैं। चक इस सब से खुश नहीं था, सो वो ये सब करना बंद कर देता है। चक के मन में कैम के लिए अभी भी फीलिंग्स थी, सो वो अपनी लक को ट्राई करने के लिए तीसरी बार कैम के पास जाता है। कैम इस बार चक के साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है, पर वो चक को वॉर्न करती है कि वो उसे सिर्फ अपना एक फ्रेंड मानती है। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कैम चक को बताते हैं कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। नेक्स्ट डे दोनों फिर मिलते हैं और कैम उसे इस बार अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। दोनों घर पर बातें कर रहे थे, जब स्टू चक को फ़ोन करके बताता है कि आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ वो इंटीमेट हुआ है, उन सब की शादी हो गई है। चक ये सुनकर परेशान हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है।
चक नहीं चाहता था कि कैम भी बाकी लड़कियों के जैसे किसी और से शादी कर ले। अगली सुबह चक स्टू से बात करता है और कहता है कि वो इस कर्ज को लेकर श्योर नहीं है। वो नहीं जानता कि ये बात सच है या नहीं। दोनों चक के लकी चार्म को टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। चक एलेनोर नाम की एक लड़की के पास जाता है जो कि काफ़ी ओवरवेट थी और स्टू को लगता था कि इसकी कभी शादी नहीं होगी। चक उसे $1,000 देकर अपने साथ डेट पर चलने के लिए मना लेता है। चक ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होता है। अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का वेट करते हुए चक काम को झूठ बोलता है कि वो बीमार है और दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसा एक हफ्ता निकल जाता है और कैम को लगने लगता है कि चक उसे अवॉइड कर रहा है। वो चक को कहती है कि वो और इंतज़ार नहीं कर सकती। कैम चक को अपने कुछ पिक्चर्स भेजती है और वो बेचारा अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में फ़ोन हैंग कर देता है। इतने में स्टू उसे कॉल करके कहता है कि उसने एलेनोर को डेट किया और अब तक दोनों की शादी नहीं हुई है, सो ये कर्स फेक है। चक भागकर कैम के घर पहुंचता है और दोनों फाइनली इंटीमेट होते हैं। सुबह चक शॉक हो जाता है जब वो एलेनोर को टीवी पर एक आदमी को किस करते हुए देखता है। वो गुस्से में स्टू को कॉल करता है जो एक्सेप्ट करता है कि उसने चक को एलेनोर के बारे में झूठ कहा था। इसके बाद से चक कैम को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है। उसे लगता था कि बाकी लड़कियों के जैसे उसे भी चक से ब्रेकअप करते ही अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा, सो वो कैम को बिना बात के दिन में कई बार कॉल करता और बहुत सारे फ्लावर्स और गिफ्ट्स देता। इम्प्रेस होने के बजाय कैम इस सब से इरिटेट हो जाती है। एक दिन चक कैम के लिए एंगेजमेंट रिंग लाता है क्योंकि वो आज कैम को प्रपोज करने वाला था। वो कैम को जॉर्ज नाम के एक लड़के को हग करते हुए देखता है जो कि सिर्फ उसका हेयर ड्रेसर था। वो गुस्से में जॉर्ज की सबके सामने पिटाई कर देता है। चक की हरकतों से तंग आकर कैम उससे ब्रेकअप कर लेती है। रीबा उसे सांत्वना दे रही थी जब अचानक चक की नज़र एक स्पिनिंग बॉटल पर पड़ती है। बॉटल देखते ही चक को अनीशा याद आती है जिसने सालों पहले उसे श्राप दिया था। वो स्टू से अनीशा का एड्रेस पता करने की रिक्वेस्ट करता है। चक को फाइनली अनीशा का एड्रेस मिलता है जिसकी अब अपनी एक फैमिली थी। चक उसे अपना कर्स लिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस पर अनीशा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चक सिर्फ अनीशा के लिए बचपन का एक क्रश था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो चक को समझाती है कि अगर वो कैम से सच में प्यार करता है तो उसे कैम को जाने देना चाहिए। चक घर वापस आकर हॉवर्ड नाम के एक पेंगुइन एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट करता है जिसकी कैम बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो कैम की हॉवर्ड के साथ मीटिंग फिक्स करवाता है। इसके बाद चक दूर से ही दोनों को बातें करते हुए देखता है। चक कैम को भुलाने की काफ़ी कोशिश करता है। उसके याद में वह एक पेंगुइन गेम खेल रहा था जब स्टू उससे मिलने आता है। स्टू चक को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड लारा से शादी करने वाला है। लारा कैम को जानती थी। वो चक को बताती है कि कैम हॉवर्ड के साथ आज एंटार्क्टिका जा रही है। स्टू चक को कहता है कि अगर वो कैम से सच में प्यार करता है तो उसे एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। चक एयरपोर्ट के लिए भागता है। एयरपोर्ट पर वो दोनों अवेलेबल प्लेन्स की बची हुई सारे टिकट्स को खरीद लेता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कैम कौन से प्लेन में बैठी है। चक दिल पर पत्थर रखकर 12 लाख मैनेजर को क्रेडिट कार्ड से पे करता है। चक प्लेन में एंटर करके फाइनली अपनी फीलिंग्स कैम के लिए एक्सप्रेस करता है। वो कैम को एंटार्क्टिका ना जाने के लिए भी कहता है। फिर चक को पता चलता है कि हॉवर्ड शादीशुदा है और उसकी वाइफ भी उन दोनों के साथ में जा रही है। जाने से पहले चक कैम को एक रिंग के बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पत्थर देता है। जाते वक्त कैम चक को आवाज़ मारती है और दोनों सबके सामने किस करते हैं। उधर अनीशा एक वूडू डॉल की चेस्ट से एक पिन निकालती है। मतलब ये था कि उसने फाइनली चक को अपने कर्ज से मुक्त कर दिया था। एक साल के बाद चक और कैम एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स के बीच में थे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अनीशा ने चक के साथ जो भी किया वो सही था या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।